continue with chapter number 2 basic accounting terms in this video we will discuss the different terms a very first term is purchases the term purchases is used for an account to record purchases of goods or raw material for resale or for producing products which are also to be sold purchases का मतलब होता है जब कंपनी कोई भी गुड्स को खरीदती है या किसी भी तरह का कोई रॉ मटेरियल खरीदती है फॉर रीसेल उसको आगे बेचने के लिए और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई रॉ मटेरियल ख़रीदना विच आर आल्सो टू बी सोल्ड जिसको अल्टीमेटली बाद में कंपनी ने बेचना ही है तो उसको हम क्या बोलते हैं परचेजेस द टर्म परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स परचेजेस में हम दोनों कैश और क्रेडिट परचेजेस को इंक्लूड करते हैं अब कैश और क्रेडिट परचेजेस क्या होते हैं When गुड्स आर परचेज फॉर कैश आर termed as कैश purchases. जब हम पैसा दे के कोई गुड्स को परचेज करते हैं तो उसको कैश परचेजेस बोला जाता है एंड when गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट आर termed as क्रेडिट परचेजेस अब जब हम उधार पे खरीदते हैं किसी गुड्स को तो उसको क्या बोला जाता है क्रेडिट परचेजेस नेक्स्ट टर्म इज़ परचेज इज रिटर्न गुड्स परचेज मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीज़न से दे आर डिफेक्टिव जब हम कोई गुड्स को खरीद लाते हैं पहले और बाद में उसको उसके सेलर को वापस कर देते हैं किसी भी रीज़न कारण कि शायद वो गुड्स डिफेक्टिव निकल गई या उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी या वो हमें लेट डिलीवर किया गया किसी भी रीज़न के कारण जब आप सेलर को दोबारा उसका सामान वापस कर देते हो उसके गुड्स को रिटर्न कर देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं परचेज़ रिटर्न इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड आउटवर्ड इसलिए बोला गया क्योंकि जब हमने ख़रीदा तब तो वो कंपनी में इन हो गया बट जब हमने उसको वापस किया तो अल्टीमेटली वो कंपनी से आउट हो गया तो उसको हम अपने परचेज़ में नहीं इंक्लूड करेंगे लेटेस्ट टेक वन एग्ज़ाम्पल की कंपनी ने ट्वेंटी टेबल्स परचेज़ किए जब उसको ट्वेंटी टेबल्स को ख़रीदा तो दैट इज़ कॉल्ड परचेज बट उस ट्वेंटी टेबल में से अगर आपने फाइव टेबल्स को वापस कर दिया है ये क्या है कि ये ठीक नहीं है या इसका कलर नहीं ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे परचेज रिटर्न तो अल्टीमेटली कंपनी ने कितना परचेज किया ओनली फिफ्टीन टेबल्स नेक्स्ट टर्म इज़ सेल्स द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विद और यूज फॉर सेल ऑफ़ गुड्स सेल का सिंपल मीनिंग होता है जब हम किसी गुड्स को बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं सेल्स दिस गुड्स मे बी परचेज फॉर री सेल और मैनुफैक्चर्ड बाई द एंटरप्राइज कई बार जो सेलर होता है वो खुद गुड्स को मैनुफैक्चर करके बेचता है या किसी और कंपनी के बनाए हुए गुड्स को खरीद लेता है और बाद में उसको बेच देता है खुद बना के बेचो या किसी का सामान खरीद लाओ और बाद में उसको बेचो दोनों ही हम सेल्स में काउंट करते हैं द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स सेल्स में दोनों इंक्लूडेड होते हैं कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल्स वैन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश इज कॉल्ड कैश सेल्स जब कंपनी किसी को पैसे कैश के अगेंस्ट कोई गुड्स को बेचती है तो उसको कैश सेल्स बोला जाता है एंड वैन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट दे आर टर्म्ड एज क्रेडिट सेल्स और अगर हम उधार पर किसी को गुड्स बेच रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट सेल्स बोलेंगे एंड द लास्ट टर्म इज सेल्स रिटर्न गुड्स इज सोल्ड वेन रिटर्न बाई द परचेजर आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ट जब हम किसी को मतलब कंपनी किसी को गुड्स बेच देती है फिर जो हमारा परचेज़र होता है उसको बाद में हमें रिटर्न कर जाता है ड्यू टू एनी रीज़न सेम रीज़न हो सकते कि जो हमने गुड्स बेची वो डिफ़ेक्टिव थी या ठीक नहीं थी या हमने उसको लेट डिलीवरी की किसी भी रीज़न कारण जो आपने गुड्स बेची थी वो बेची हुई गुड्स जब आपको वापस हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं सेल्स रिटर्न इट इज़ आल्सो नोन एज रिटर्न इनोवर्ट क्योंकि पहले जब हमने गुड्स को बेचा तो वो आउट हो गए फिर अल्टीमेटली उसने जब हमें वापस किया तो कंपनी में दोबारा इन हो गया तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ रिटर्न इनोवर्ट